हेलो स्टूडेंट्स ये आई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फोर्थ वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कैरेटी कैरल कार्बन देखना सीख लिया था हमने फर्स्ट कंडीशन उसको बोला था और फिर हमने कॉन्फिगरेशन लिखना आर एस लिखना एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन भी सीख लिया था अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सेकेंड कंडीशन पर आते हैं और सेकेंड कंडीशन था कंपाउंड शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए केवल कैरल कार्बन का होना अकेला कंडीशन नहीं था हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कंडीशन था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंपाउंड में नहीं होना चाहिए हम शॉर्ट में बोलेंगे उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकेंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री सीयूएस शॉर्ट में लिखेंगे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड लास्ट वन इज अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री इनको हम स्टडी करने वाले हैं आज लेकिन पहले मैं एक बात कंफर्म कर दूं देखो दो सिमिलर टर्म्स आते हैं सिमिलर टर्म्स में आते हैं एसिमेट्री और डिससेमेट्री दोनों में क्या डिफरेंस एसिमेट्रिक कंपाउंड यदि किसी कंपाउंड में एसिमेट्री है इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा उसमें अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा और एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा वो कहलाता है एसिमेट्री अब डिसिमेट्री की बात करें तो डिसिमेट्री में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता लेकिन एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्लियर है और हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं तो देखो क्लियर लिखा हुआ है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एसिमेट्री नहीं डिस्सेमेट्री का होना जरूरी है और यदि क्लियर देखें तो यहां पर एओ के बारे में क्या लिखा हुआ है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता मतलब एओ एस एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी ठीक है बेसिक क्लियर है अब यदि हम इनके एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम लेके आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री अब प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे तो नाम से सिमेट्री मतलब सिमिलरिटी ऐसा प्लेन जिसके अराउंड सिमिलरिटी होगी दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर भी डेफिनेशन पे यदि बात करें तो डेफिनेशन दो तरीके से लिखा जाता है फर्स्ट लिखा हुआ है एनी इमेजनरी प्लेन विच बाइसेट्स द मॉलिक्यूल तो देखो प्लेन बाइसेक्ट ही करेगा मॉलिक्यूल को विच बाइसेक द मॉलिक्यूल इन सच ए मैनर दैट दैट वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अदर पार्ट देन दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेकेंड पार्ट पे आते हैं ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा एनी इमेजनरी प्लेन विच वी कैन डिवाइड बाई विच वी कैन डिवाइड द मॉलीक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स मतलब यदि बराबर बराबर में बाइसेकट करने का मतलब है बराबर बराबर डिवाइड करना यदि ऐसा कोई प्लेन बना सकता हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जैसे मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे अब देखो मैं कोई भी इमेजनरी प्लेन मैंने बोला लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि कौन सा प्लेन स्टडी किया जाएगा वो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे कंपाउंड को तो मैंने ये वाला प्लेन स्टडी किया जो रेड कलर से मार्क है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यस दिस इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं और जो पहली वाली डेफिनेशन है थी उससे मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको मान लेता हूं क्या मिरर। अब क्या ये मिरर इमेजेस हैं तो ओ OH एच के सामने ओ एच आ रहा है एच के सामने एच आ रहा है सी ओ एच पीछे की साइड है तो सी ओ एच पीछे की साइड है यस दे आर मिरर इमेजेस। लेकिन हमने पहले के वीडियोज में ये बोला है कि हम हमेशा मिरर इमेजेस देख नहीं पाते हैं तो एक तरीका ये भी था कि हम कॉन्फिग्रेशन से पहचान जाते थे क्योंकि हमने एनाशमर्स को अपोजिट कॉन्फिगरेशन वाले फॉर्म्स को नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज बोला था तो यदि मैं इनका कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो इस करल कार्बन का कॉन्फिगरेशन आएगा आर और इस करल कार्बन का कॉन्फिगरेशन आएगा एस तो हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हम इक्वल हाफ्स देख के बोल सकते हैं हम मिरर इमेज देखकर बोल सकते हैं हम कॉन्फिग्रेशन देखकर बोल सकते हैं ऑल आर इक्वली करेक्ट किसी भी तरीके से बन जाएगा अब जरा ध्यान से देखें इस कंपाउंड के बारे में इस कंपाउंड में कैरल कार्बन तो है ये वाला भी कैरल है और ये वाला कार्बन भी कैरल है लेकिन उसके बाद भी ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा ऑप्टिकली इनेक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर अगले वीडियो का हेडिंग यही बनेगा क्योंकि इसका नाम हम बोलना हम क्या बोलेंगे इसका नाम हमें बोलना पड़ेगा मीजू कंपाउंडस खैर फिलहाल प्लेन ऑफ सिमेट्री में आगे बढ़ते हैं इस वाले कंपाउंड में क्या ये लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री है यस ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या मैंने सी एल और एच को इक्वली डिवाइड किया हुआ है नहीं जिस प्लेन को हम स्टडी करते हैं उस प्लेन पे आने वाले एटम्स या ग्रुप्स को हम कंसिडर नहीं करते मतलब इस प्लेन के एक साइड केवल ये वाला कैरल कार्बन इसके ग्रुप्स हैं और प्लेन के दूसरी साइड ये वाला कैरल कार्बन इसके और इसके ग्रुप्स हैं एच और सी एल को हम कंसिडर नहीं करते जैसे ये वाला देखें ये से साइश है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है देखो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड कर रहा है कंपाउंड को इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स में यदि बात करें तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में हमने वैसे तो मार्क कर रखा है प्लेन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला आइस उमर ये वाला सिस आइस उमर है और क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इक्वल हाफ्स हैं मिरर इमेजेस हैं ये वाला ट्रांस है और क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा नहीं इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्यों सी एल का मिरर इमेज एच नहीं हो सकता ना सी एल के सामने सी एल लिखा होता तो हम बोलते मिरर इमेज है, है तब तो हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जिस साइड सी एल ये वाला है आउटवर्ड द प्लेन उस साइड ये वाला सी एल नहीं है भाई यदि आउटवर्ड द प्लेन सी को मैं मिरर के सामने लेकर जाऊंगा तो उसका इमेज भी तो आउटवर्ड द प्लेन ही बनेगा ना इसलिए वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था और एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें दोनों सी एल द प्लेन है मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाला जो प्लेन लिखा हुआ है ये वाला प्लेन कैसा बनेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा ठीक यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है अब देखो दोनों ब्रोमीन सेम साइड नहीं है लेकिन जिस प्लेन को हम स्टडी कर रहे हैं उस प्लेन पे आने वाले आइटम्स को हम कंसीडर नहीं करते क्लियर है ना अच्छा इसकी बजाय यदि मैं ये वाला स्ट्रक्चर लिखा होता ऐसा जब ब्रोमीन दोनों सेम साइड होते तब यहाँ पर यहाँ पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाते क्यों क्योंकि यहाँ पर ब्रोमिन का मेर इमेज ब्रोमीन सेम बनता ना सेम साइड लेकिन यहाँ पर ये दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल कितना एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक बात अच्छा दूसरी बात कन्फ्यूज नहीं होना ये लिखने के वेरिएशन हैं लिखा हुआ कभी कभी ऐसा भी आता है अब जब मैंने ये प्लेन बनाया है तो तुम्हें लग सकता है कि इस साइड ब्रोमिन आया तो इस साइड तो ब्रोमिन नहीं आया लेकिन मैंने बोला ना जिस प्लेन को हम स्टडी करते हैं उस प्लेन पे आने वाले एटम और उसके ग्रुप्स को हम कंसीडर नहीं करते इसका मतलब इस कार्बन से यदि ये प्लेन बना रहा हूँ मैं तो इस प्लेन पे जो ग्रुप्स हैं ब्रोमिनोराइच इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये सेम है इसमें भी यही प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर होगा तो इस तरीके से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं क्लियर है बात फिर हम और एग्जाम्पल्स पर आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स ड्रॉ करें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स में हम लेकर आते हैं एलिन्स एलिन्स हमने लिखा ये क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो यदि मैं ये बात करूं तो देखो एलीन में जब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड इवन नंबर में होते हैं तो ये नॉन प्लेनर होता है अब यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला रहेगा यहां पर क्योंकि यहां सीएलआर है इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं यहां पर इस साइड भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इस साइड भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब यहां पर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं इस पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं क्लियर है एलिन का स्ट्रक्चर यदि मैं देखू तो ये एलिन का स्ट्रक्चर है और देखो ये नॉन प्लेनर है अब जब मैंने ऐसे बनाया तो ये ग्रीन वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा और एक रेड वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा मैं ये बोल रहा हूँ यदि एक साइड ब्रोमिनो रैच होता तो वो बहुत प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता ये थ्री डायमेंशनल व्यू है ऑफ एलिन्स क्लियर है इसलिए एलिंस में हमने यहाँ पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है क्लियर तो एलिन्स में किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं क्लियर है फिर यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेकर आएँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं और हमने लिखा ये हो सकता है देखने में तुम्हें ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये रेड वाला जो प्लेन है ये तुम्हें कैसा लगे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगे लेकिन नहीं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ये कंपाउंड कहलाते हैं स्पाइरेंस और स्पाइरेंस में जो लगातार रिंग होती है ना ये परपेंडिकुलर रिंग्स होती हैं क्लियर है एक बार इसका थ्री डायमेंशनल व्यू देख लेते हैं थ्री डायमेंशनल व्यू देखें तो ये इस तरीके का व्यू दिखेगा और ये जो दोनों रिंग है परपेंडिकुलर है देखो ये जो रेड कलर से जो एटम दिख रहा है ये ऑक्सीजन है इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा क्यों ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आ रहा है इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये कि कई बार हमें ज़रूरी नहीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन ही बनाने पड़े हमें कभी कभी डायगोनल प्लेन भी बनाने पड़ते हैं और जब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आएगा तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्लियर है और एग्जाम्पल्स में लेकर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी एच फोर सी एच फोर में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने के लिए यदि मैं पहली बात तो थ्री डायमेंशनल या थ्री डी व्यू पे आना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ वन टू ये थर्ड और ये फोर्थ हाइड्रोजन है मैं जब प्लेन बनाऊंगा तो देखो एच वन के सामने एच वन के सामने इमेज बनाने के लिए मैं एच टू को ला सकता हूँ मैं एच थ्री को ला सकता हूँ और मैं एच फोर को ला सकता हूं ऐसी जब मैं एच टू के सामने लेकर आऊंगा तो एच टू के सामने, तो सामने तो 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 पर कितने बनेंगे टोटल सिमेट्री बनेंगे क्लियर है यदि मैं इसको थ्री डायमेंशनल व्यू से समझूं तो थ्री डायमेंशनल व्यू ये है, और ये जो डिफरेंट फोर कलर हैं ये फोर टाइप के हाइड्रोजन हैं अब मैं प्लेन कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ जैसे मैं ब्लू वाले के सामने लेके आता हूँ ब्लू वाले के सामने मैं येलो ला सकता हूँ तो प्लेन में कौन आया ये ऑरेंज वाला आया और ये पिंक वाला हाइड्रोजन ये प्लेन बन गया ऐसा ठीक अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं ब्लू के सामने पिंक वाला ला सकता हूँ तो प्लेन कैसा बनेगा प्लेन बनेगा ये जिसमें येलो और ऑरेंज आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इस तरीके से यदि मैं प्लेन ड्रॉ करूंगा तो अब ब्लू के सामने कौन आ गया ब्लू के सामने आ गया ऑरेंज इस तरीके से हम अलग अलग प्लेन बना सकते हैं सेम फॉर येलो वाले हाइड्रोजन के सामने में ऑरेंज ला सकता हूं येलो वाले हाइड्रोजन के सामने में इस तरीके से प्लेन बनाऊंगा तो मैं पिंक ला सकता हूं सेम फॉर में किसके लिए कर सकता हूं सेम में ऑरेंज वाले हाइड्रोजन के लिए भी कर सकता हूँ इस तरीके से हम थ्री में समझ सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनेगा क्लियर है तो सबसे अच्छा तरीका देखो थ्री में हम हमेशा लिख तो नहीं पाएंगे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे तो ये वाला तरीका बेटर है जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में बताऊँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं ये वाले सी एस थ्री सी एल अब सी एस थ्री सी एल में देखो तीन हाइड्रोजन है एच वन एच टू और एच थ्री एच वन के सामने एच टू एस थ्री आएगा और एच टू के सामने एस थ्री आएगा मतलब टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना बनेगा थ्री सीएल के सामने सी एल तो नहीं आ सकता अब यहां पर एच के सामने एच आएगा सीएल के सामने सी एल आएगा इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना बनेगा टू सी एस सी एल थ्री और सी एस थ्री सी एल आइडेंटिकल केस हो जाएगा सीएल के सामने सी एल लेकर आऊंगा और यहाँ पर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा यहाँ पर तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेंगे इस तरीके से अब यदि तुम बोलू कि नहीं सीसीएल फोर में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा तो सीसीएल फोर में प्लेन ऑफ सिमेट्री वापस से सिक्स बनेगा क्यों क्योंकि एच की जगह पर वहां पर क्या आ जाएगा एच की जगह पर वहां पर आ जाएगा कौन सीएल आ जाएगा क्लियर है फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन लेकर आते हैं नेक्स्ट डिजाइन है बाईफ और बाईफनाइल्स में ये जो बेंजीन रिंग तुम देख रहे हो ये बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर होते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ बल्की ग्रुप्स अब मैंने राइट साइड वाले रिंग को तो यहाँ पर इक्वल हाफ में दिखा रखा है इसका मतलब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है यदि मैं दूसरे रिंग में भी सिमिलर ग्रुप लगा दू ना जैसे मैंने ये लगाए इस वाले में देखूंगा तो यहाँ पर दोनों रिंग में एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा इसका मतलब यहां पर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसको हम थ्री डायमेंशनल व्यू से देख लेते हैं देखो ये बाईफेनाइल का स्ट्रक्चर है बाईफ में जब मैंने रेड वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो पर्पल वाला इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ अब यदि मैं पर्पल वाले से ये प्लेन बनाऊंगा तो ये रेड वाला इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा इसलिए इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर होता है ठीक है फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए लिखते हैं हम और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पर लेके आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं ये वाला क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है अब हो सकता है कि तुम्हें मिरर इमेज ना दिखे लेकिन हमें साइड तो देखना पड़ेगा सी एस थ्री के सामने सी एस थी सेम साइड एच यदि आउटवर्ड द प्लेन है तो एच आउट द आउटवर्ड द प्लेन है सीएल इन वर्ड द प्लेन है तो यहां का सीएल इन वॉर्ड द प्लेन है इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टडी कर सकते हैं क्लियर है तो ये फर्स्ट कंपोनेंट था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है ये हम सेकेंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पर लेकर आए तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो सिमेट्री का मीनिंग होता है सिमिलरिटी अब यदि सेंटर के दोनों साइड सिमिलरिटी रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा सेंटर ऑफ सिमिलरिटी बोलना पड़ेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलना पड़ेगा यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो डेफिनेशन से बात करते हैं देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सबसे पहले मैंने कंपाउंड का सेंटर आइडेंटिफाई किया ये अब मैं क्या करूंगा इस सेंटर से किसी एक डायरेक्शन में चलता हूं तो जैसे मैं ब्लू वाली लाइन पे इस डायरेक्शन में चला तो मुझे इस डिस्टेंस पे मुझे क्या मिला ब्रोमीन अब यदि मैं उसी लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं तो सेम डिस्टेंस पे मुझे क्या मिल जाता है ब्रोमीन तो मैं ये बोलूंगा दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एट दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन अराउंड दिस सेंटर इस तरीके से मुझे हर लाइन पे चेक करना है ग्रीन लाइन पर देखो सेंटर के दोनों साइड आयोडीन है ब्लैक लाइन पर देखो दोनों साइड क्लोरीन है रेड लाइन पर दोनों फ्लोरीन है इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होता है क्योंकि कंपाउंड का सेंटर ही एक होता है जैसे यहाँ पर देखो ये कंपाउंड का सेंटर है और हर लाइन पर सेंटर के दोनों साइड सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं इसलिए ये क्या कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा ये वाला देखो ये ट्रांस है और ट्रांस में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए डायगोनली अपोजिट पोजिशन पर सिमिलर ग्रुप का होना जरूरी है तब तो सेंटर से पास करेंगे ना यदि सेम साइड रहेगा डायगोनली अपोजिट नहीं रहेगा तो सेंटर से हम कभी पास नहीं करेंगे जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आए इस वाले एग्जाम्पल पर आएंगे तो लाइन ड्रॉ करने पर शायद हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना दिखे लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्यों जो ब्रोमीन ऑन द प्लेन था वो तो हमें लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा लेकिन ये वाला सीएल देखो इन द प्लेन है ये वाला सीएल आउट वर्ट द प्लेन है डायगोनली अपोजिट पोजिशन हुआ तो जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा सीएल को सीएल से मिलाऊंगा इन थ्री तो सेंटर से पास होगा सेम फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखोगे तो लाइन जब मैं मिलाऊं यहां पर टू स्ट्रक्चर में तो शायद मैं सेंटर से पास ना करूँ लेकिन इन द प्लेन आउटवर्ड द प्लेन है तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डायगोनल अपोजिट पोजिशन पर आएंगे इसलिए से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने माना नेक्स्ट फिर एलिंस में भी बात करूं तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और तुम्हें लगेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है लेकिन नहीं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्यों इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये और ये कैसा होता है नॉन प्लेनर परपेंडिकुलर होता है इसलिए हम जब सीएल को सीएल से मिलाएंगे तो सेंटर से पास नहीं करेगा ये इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पर देखें तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री के टाइम पर इसका हमने थ्री डायमेंशनल व्यू देखा था यहाँ पर भी रिंग कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है तो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा जाता है ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं और कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए यदि कंपाउंड में कैरिल कार्बन है और उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो हमें उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलना पड़ेगा जिसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलेंगे मिजो कंपाउंड बोलेंगे थैंक यू